Hello friends, my name is Neer and you are watching my channel Technical Knowledge by NK. आइए दोस्तों आज जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या है और इधर ट्रांसफार्मर तो हम आज इस पर बात करेंगे और कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश भी मैं करूँगा आज, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है तो देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक सर्किट से दूसरे में, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से, है ना, और बिना कोई बदलाव के, मतलब कि फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव ना करते हुए एक से दूसरे सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से ये बदलाव कर सकता है, राइट। इसमें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट सोर्स की इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, मतलब कि जिस सोर्स पे हम पावर सप्लाई, इनपुट सप्लाई कनेक्ट करते हैं वो हमारी होती है प्राइमरी वाइंडिंग। और दूसरी सर्किट को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर करता है, मतलब कि हमें आउटपुट देता है, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। ठीक है, उसको पास मैग्नेटिक कोर करती है, ठीक है, जो कि लिंक्ड होती है सेकेंडरी वाइंडिंग से, और ये एक क्लोज मैग्नेटिक सर्किट क्रिएट करती है, है ना। तो जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स पास किया जाता है ना, तो क्या होता है कि ये लिंक्ड होती है सेकेंडरी वाइंडिंग से जो एक क्लोज मैग्नेटिक सर्किट क्रिएट करती है, राइट। अब तीसरा है सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, मतलब जो मैंने आपको बताया प्राइमरी वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे कोर के माध्यम से पास किया जाता है, है ना, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक हुआ होता है। ये वाइंडिंग वही सामान कोर में लिपटी हुई होती है और ये ज़रूरत की आउटपुट को भी पैदा करती है जो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें तो कॉइल होती है जो कि एनर्जी डिलीवरी करती है या ट्रांसफ़र करती है ना लोड में। अक्सर इन दोनों कॉइल्स को हम कोर की अगर मैं बात करूं तो आपका ट्रांसफार्मर कोर का इस्तेमाल एक कंट्रोल पथ प्रदान करने के लिए होता है, है ना, जो कि मैग्नेट फ्लक्स को जनरेट हुआ होता है ट्रांसफार्मर में। ये कोर जनरली कोई भी एक सॉलिड बार ऑफ स्टील नहीं होता है, है ना, बल्कि एक समूह होता है बहुत से पतले लेमिनेटेड स्टील सीट से या लेयर से। इसलिए इसे ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इससे हीटिंग को कम या पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सके। नेक्स्ट है कोर टाइप और सेल टाइप। ये दोनों प्रकार एक दूसरे से अलग कुछ इस प्रकार होते हैं कि जैसे इनके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स को किस प्रकार से बाइंड किया गया, मतलब लपेटा गया है, ठीक है। स्टील कोर के चारों ओर कोर टाइप, इस टाइप में वाइंडिंग को सराउंड किया जाता है लेमिनेटेड कोर से, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियो।